हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनी चिली पोटैटो की रेसिपी। तो गाइस, हम आपको स्टार्टिंग से बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको पोटैटो ले लेना है फ्रेश, और आपको देखना है कि किस तरह का मैं कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह का आपको कटिंग करना है। तो कटिंग ख़त्म हो चुका है हमारा, और कटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि आलू में जितना भी छिलका है हम सब कुछ छील लेते हैं उसको, ताकि वो हमारे अच्छा दिखे, थोड़ा फ्रेश दिखे और ताज़ा दिखे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम जिस तरह का कटिंग कर रहे हैं जूलियन कटिंग, आपको उसी तरह का जूलियन कटिंग करना है, ताकि हनी चिली पोटैटो के लिए बेस्ट आपको लगे और अच्छा दिखे। तो हमारा लगभग कटिंग तैयार हो चुका है जूलियन कटिंग में। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। फिर आपको छोटे से बॉल में ले लेना है, या तो किसी आपके घर में कटोरी है, कोई भी एक चीज़ में ले लेना है। उसके बाद आपको कॉर्नफ्लोर ले लेना है। देखिए हम कितना क्वांटिटी में डाल रहे हैं इसको, आपको भी उसी क्वांटिटी में उसी के हिसाब से डालना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद देख सकते हैं आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, उसी टाइप का आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें अगर आपको चाहे तो हल्का सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर इसमें चिपक जाए। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपको पता ही है कि तेल को गर्म अच्छी तरह से करना है, ये नहीं कि आपको ठंड तेल में डालना है। तो धीरे धीरे आपको इस पर डालना है, और इसको छन्नी से हल्के हल्के घुमाना है आपको, जिस तरह देखिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का आपको करते रहना है। तो हमारा ये पोटैटो आप देख सकते हैं कि फ्राई हो रहा है, और ये हमारा 5 मिनट कम से कम लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये फ्रेश पोटैटो था हमारा, तो इसके लिए 5 मिनट लगेगा ही नॉर्मली हमारा। तो फ्राई हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो अब हमारा हनी चिली पोटैटो बनाने के हम रेडी है, और एक कढ़ाई लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालें और थोड़ा सा इसको जिंजर डाले हैं हम। तो इसको हल्का सा हल्का हल्का धीरे धीरे इसको टॉस करना है हमको हल्का सा, ताकि ये जले ना, उतना ही करना है। और इसमें से थोड़ा सा ऑनियन लेना है। ऑनियन लेने के बाद सेम प्रोसेस में हम टॉस करेंगे उसको, ये भी जलना नहीं चाहिए, और हल्का धीरे धीरे चलाना है इसको। तो दोनों अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मसाला डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम ले लेंगे, इसके बाद टमाटर सॉस ले लेते हैं, उसके बाद अजीना मोटो ले लेते हैं, और हल्का सा सॉल्ट ले लेते हैं स्वाद अनुसार। उसके बाद हम थोड़ा सा चिली पेस्ट ले लेते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम, और हल्का सा इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि हमारा इसमें जो है थोड़ा सा थिकनेस आए। पानी नहीं तो आप देख सकते हैं मेरे कढ़ाई पे कितना आग लगा है। ये घर पे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारा शेफ स्टाइल है। हल्का सा स्वीट में हम हनी ले लेते हैं इसको, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने पोटैटो फ्रेश को ले लिया है फ्राई वाला, और इसको भी टॉस करना है हल्का सा। इसको ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है, क्योंकि ये टूट सकता है और ये अच्छा दिखेगा नहीं। फिर हल्का सा टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा सोया सॉस ले लेना है। हमारा हनी चिली पोटैटो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और हम इसको गरम गरम प्लेट में सर्व करेंगे। एक पोर्शन हमारा ये बनके रेडी हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं, ताकि ये दिखने में प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगे। आप भी कर सकते हैं ऐसा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।